नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर सो हाल ही में एक काफी बेहतरीन खबर सामने आ रही है जो भारत का पहला पेंट है इसको बनाया गया है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर सो so, एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है भारत का एक पहला पेंट है ऐसा जो कि बनाया गया है काउडन से जी हाँ इसको इको फ्रेंडली पेंट कहा जाता है और इस पेंट का जो ब्रांड नेम है दोस्तों इसको प्राकृतिक पेंट के नाम से मार्केट किया जा रहा है इसको लेकर बेसिकली अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है कि भारत के जो एमएसएमई के मिनिस्टर हैं मिस्टर नितिन गडकरी जी इन्होंने बेसिकली यहां पर यह घोषित किया कि वह स्वयं इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं यानी कि वो खुद से इसको प्रमोट करने वाले हैं सो दैट भारत में इसकी जो अडोप्शन है वो काफी तेजी से

राइट गाइस जनवरी 2021 की खबर है जब ये चीज सामने आई थी इंडिया फर्स्ट इको फ्रेंडली काउडंग पेंट लॉन्च्ड और ये वाली खबर आप देख सकते हैं तेरह जनवरी की है इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा कवर करी गई यहां पर नितिन गडकरी जी ने भी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस चीज को बताया था कि ग्रामीण इकोनॉमी को बल मिले और किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो इसीलिए हम खादी ग्रामोद्योग के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन के लिए प्रयासरत हैं ये खबर 12 जनवरी को इनके ट्विटर पे आप देख सकते हैं इतना ही नहीं आप पे ये भी देख सकते हैं इन्होंने पे ये भी कहा इसी क्रम में आज के के माध्यम से गाय के गोबर से बने एंटीवायरल प्राकृतिक पेंट को केंद्रीय मंत्री श्री श्री जी के उपस्थिति में लॉन्च किया गया तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों जनवरी की बात है जब ये चीजें लॉन्च करी गई थी अब सबसे पहले इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों इसका जो विकास है इसको केवीआईसी के द्वारा किया गया है इंटरेस्टिंग टू नोटी के द्वारा डेवलपमेंट जी के रेसिडेंस में किया गया है एंड इतना ही नहीं पेंट का इस्तेमाल करने वाले हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं इस पूरे के पूरे पेंट का नाम क्या है खादी प्राकृतिक पेंट और ये भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि इको फ्रेंडली कहा जा रहा है जिसको कहा जाता है आपको मालूम होना चाहिए पेंट्स में कई सारे टॉक्सिंग का इस्तेमाल जाता है और इसीलिए खास है इतना ही नहीं इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, है।, है, है, है और इसमें से किसी प्रकार की दुर्गंध भी नहीं आती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पेंट को सर्टिफिकेशन दे दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा अब इसके प्राइसिंग और टेस्टिंग की बात करें दोस्तों इसमें दो तरह की फॉर्म्स को अवेलेबल करवाया गया

शन दी गई है नाउ लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें नितिन गडकरी जी ने बेसिकली ये फैसला लिया है कि वो स्वयं इसके ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले सो so, दोस्तों लेटेस्ट डेवलपमेंट है इसमें इसमें बेसिकली क्या क्या हुआ इसमें दो तीन चीजें हुई सबसे पहले तो इन्होंने अपने ब्रांड एम्बेसडर इसलिए घोषित किया सो so दैट इनका ये मानना था कि अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर बन जाता हूं तो शायद आगे जाके जो भारत के कई सारे युवा उद्यमी है वो इस चीज को टेकअप करेंगे और काउडंग पेंट की मैन्युफैक्चरिंग को भारत में काफी तेजी से बढ़ावा मिल सकता है इतना ही नहीं एक इंपॉर्टेंट प्लांट को यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है राजस्थान के जयपुर के शहर में कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर यहाँ पर इसके कैंपस के अंदर एक नया प्लांट बनाया गया है इसके चलते यह माना जा रहा है कि जो फिलहाल हमारी भारत की कैपेसिटी है इस पेंट की मैन्युफैक्चरिंग की उसको लगभग हम लोग डबल कर देंगे द द ऑफ न्यू यूनिट विल बी डबलिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द पेंट जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो फिलहाल पांच लीटर की है डेली की लेकिन आगे जाके हजार लीटर पर डे की हमारी कैपेसिटी बन जाएगी साथ ही इन्होंने दो बहुत ही बेहतरीन बातें कही इन्होंने यहां पर यह भी कहा कि इस तरह की जो मैन्युफैक्चरिंग है इससे हमारी जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है और जो हम

ने यहां पर ऑलरेडी घोषित कर दिया है कि आगे आकर कम से कम 50 ऐसे प्लांट्स हैं जो कि भारत में बनाए जाएंगे ये वाले जो 50 प्लांट्स हैं दोस्तों नागपुर या फिर विदर्भ के क्षेत्र में बनाए जाएंगे जिसमें ऑलरेडी 12 यूनिट्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है यानी कि बात साफ है यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज को काफी अच्छे तरीके से प्रमोट कर रही है बताना चाहूंगा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत सब्सिडीज भी दी जा रही हैं और जयपुर का जो ये वाला इंस्टीट्यूट है कुमारप्पा नेशनल इंस्टीट्यूट यहां पर काफी सारे बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है सो दैट वो आके यहां पर इस चीज की मैन्युफेक्चरिंग में जो है रुचि दिखा सके इतना ही नहीं दोस्तों जाते जाते आपको बताना चाहूंगा कि काओ के रिफ्यूज से काफी सारी और चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट आज की डेट में प्रमोट कर रही है अगर आप देखें स्टिक्स कि अगरबत्ती की जो स्टिक्स होती हैं, ऐसी कई सारी स्टिक्स हैं जो कि काओ के रेफ्यू से बनाई गई हैं। 2015 की बात है अलाहाबाद बेस्ड एक गौशाला है जिसने की एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट बनाया था फ्रॉम द काउ यूरिन इसको कहा गया था गौ आशीष फिनाइल और 2019 की बात है उस टाइम पे भी गडकरी ने लॉन्च करी थी भारत में काउडंग से बनी हुई साबुन और ये वाली जो साबुन है आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये वाली साबुन को भी मैन्युफेक्चरिंग दोस्तों के के द्वारा ही करी गई थी यानी कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली काफी ज्यादा इन चीजों को प्रमोट कर रही है जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा अनकेडमिक प्रॉमिस ऑफर एक्सटेंडेड टिल द ऑफ जुलाई यदि आप लोग दो साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको एक का अन अकाडम के द्वारा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा इसके अलावा दोस्तों आपका जो महा सब्सक्रिप्शन ऑफर अभी वैलिड है जिसके साथ में आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से और कम कर दिए गए हैं पहले केवल 35 परसेंट का डिस्काउंट आपको मिल रहा था लेकिन अब जो है आपको 45 परसेंट का डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है और इसमें दोस्तों आपका फाइनल प्राइस पड़ेगा एक साल का फोर्टी नाइन ध्यान रखिए इसमें आपको कोड यूज करना है ए एन आस सी टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट इसके अलावा अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मेरे द्वारा इंडियन जोग्राफी और मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटी पढ़ने का मौका आपको मिल जाएगा दोस्तों अन अकेडमी इंडिया का टॉप एजुकेटर्स और डेली की फैकल्टी और एक्स ब्यूरोक्रेट्स आपके लिए लेकर आई है अलग अलग बैचेस में जिसको कि आप लोग यहाँ पर घर के आराम से बैठ के देख सकते हैं एंड ऑल्सो बताना चाहूंगा विक्ट्री सीरीज हमारी चल रही है जिसकी आखिरी क्लास कल होने वाली है टेंथ ऑफ जुलाई को ये सेंटर स्टेट रिलेशन की आखिरी क्लास है इसके बाद और क्लासेस भी यहाँ पे कंडक्ट करी जाएंगी जाएंगे ना, ना भूलें इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है एंड कॉम्बे में हिस्सा आपको लेना है यूजिंग द इनवाइट कोड ए एन आई यूपीएससी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टेट एंड स्टे सेफ